हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज को फॉरवर्ड करने से, फेसबुक पे शेयर करने से या ट्विटर पे सिर्फ रीट्वीट करने से आप क्रिमिनली लाइबल हो सकते हैं? जी हाँ, इंडिया में आप क्रिमिनली लाइबल हो सकते हैं अगर जो मैसेज आप शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं वो ऑफेंसिव नेचर का हो, यानी जिससे कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो या हमारे नेशनल इंटीग्रेशन पे फर्क पड़ रहा है, पब्लिक हार्मनी पे फर्क पड़ रहा है, ब्रदरहुड पे फर्क पड़ रहा है। तो कोई भी इंडिया में ऐसा पर्टिकुलर लॉ नहीं है या स्टैट्यूट नहीं है जो स्पेसिफिकली इससे डील करता हो, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंडियन पिनल कोड के कुछ प्रोविजंस हैं जिसके अंदर या जिसके इंटरप्रिटेशन से हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी इंसान जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है वो क्रिमिनली लाइबल हो सकता है। तो आज की मेरे वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि वो कौन से लॉज हैं जिसके अंदर ऐसा कुछ भी करने से हम क्रिमिनल लाइबिलिटी को अट्रैक्ट करते हैं और इन सब चीजों में जुडिशरी क्या रोल प्ले कर रही है। सो बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको इस तरीके की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती है। So, let's start our video. Now, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो हम अपनी लाइफ इन सब के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन जब भी हम सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं, वहां कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, तब हम ये नहीं सोचते कि ऐसा कुछ भी करने से हम क्रिमिनल लाइबल हो सकते हैं, क्योंकि हम इस चीज को ऐसा समझते हैं कि हमने कोई एक्शन तो किया ही नहीं, कोई क्रिमिनल एक्ट तो किया ही नहीं, लेकिन हमारा लॉ ऐसा नहीं सोचता। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंडियन पिनल कोड के कुछ प्रोविजंस हैं जहां पे हम क्रिमिनल लाइबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 67 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है जिसके अंदर किसी भी तरीके का ऑब्सीन मटीरियल है, तो उसके लिए वो पनिशेबल है, वो लाइबल है। वैसे ही सेक्शन 67 ये कहता है कि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई भी मटेरियल जहां जो बच्चे हैं वो किसी भी तरीके के सेक्सुअल एक्ट में डिपेक्ट हो रहे हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो उस केस में जो भी इंसान इसे पब्लिश कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है या फॉरवर्ड कर रहा है वो पर्सन लाइबल होगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी। बात करते हैं अब हमारे इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 153A क्या कहता है? सेक्शन 153A ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान जो है वो ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है या कोई भी एक्ट कर रहा है जहां पे वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, रेस को, प्लेस ऑफ बर्थ को, रेसिडेंस को या लैंग्वेज पे अटैक कर रहा है कि यहाँ के लोगों की वजह से ऐसा करता है या इस रिलीजन के लोगों की वजह से ऐसा होता है या इस रेस के लोगों की वजह से ऐसा होता है, तो उस केस में जो उसमें है वो इंसान क्या कर रहा है, लोगों में जो है वो इंसाइट कर रहा है कि इन लोगों की वजह से। तो हम सबके दिमाग में क्या हो रहा है कि दीज आर द पीपल हु आर टारगेटेड, इनकी वजह से ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रही है या फॉरवर्ड की जा रही है, तो कोई भी इंसान जो ऐसे इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर रहा है, शेयर कर रहा है या ऐसा कोई भी मैसेज बना रहा है तो वो पर्सन लाइबल है होगा। वैसे ही सेक्शन 153B क्या कहता है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को जो है अफेक्ट कर रही है वो अगर पब्लिश हो रही है या शेयर हो रही है, तो जो भी इंसान ऐसा कुछ कर रहा है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 295 ये क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जिससे जो है डैमेज हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के बिलीफ का, या आप जो है उनके बिलीफ को, या जहाँ पूजा होती है, जहाँ वर्शिप होती है, जैसे हमारे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसको आप अफेक्ट कर रहे हो, उस पर कोई भी डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसे डैमेज कर रहे हो, जो एक पवित्र स्थल है जहाँ से लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई है, तो ऐसा कुछ भी आप डिस्ट्रक्शन कर रहे हो और इस सब को करने के बाद जो है इस तरीके की इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, लोगों
में जो है भड़काने की भावनाएं उत्पन्न कर रहे हो कि लोग भड़क रहे हैं कि हमारा रिलीजन अफेक्ट हो रहा है, हमारे मंदिर अफेक्ट हो रहे हैं, और इससे क्या है जो हार्मनी है, पब्लिक ऑर्डर है, वो अफेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके के केस में अगर आप ऐसा कोई भी मैसेज शेयर कर रहे हो तो आप जो है क्रिमिनली लाइबल है हो सकते हो। देन वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 295A क्या कहता है, जहां पे आप डिलिबरेटली जानबूझ के, यानी आपका कुछ मैलिशियस एक्ट है, आपकी इल विल है, आप जानबूझ के जो आपका इरादा है वो गलत इरादा है, गलत इरादे से आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो जहाँ पे आप किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरेज कर रहे हो, अफेक्ट कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ रिलीजन के लोगों को जो है अटैक कर रहे हो, तो उस केस में भी जो है आप लायबल हेल्ड हो सकते हो, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को इंसल्ट कर रहे हो। तो इस तरीके का कोई भी मैसेज या कोई भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो या शेयर कर रहे हो, तो इन दैट केस आप क्रिमिनल लाइबिलिटी अट्रैक्ट कर सकते हो। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 495 बात करता है डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या होता है? डिफेमेशन यानी किसी इंसान के बारे में कोई र्यूमर फैलाना, कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाना, जिससे उस इंसान की जो इज्जत है, रेपुटेशन है, वो गिर जाएगी इन दी आईज ऑफ दी राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ दी सोसाइटी। यानी आपकी जो सोसाइटी है वो आपके बारे में सोचेगी कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, जबकि जो इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जो र्यूमर फैलाई जा रही है, वो गलत है, वो सही नहीं है। तो गलत इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए, गलत इंफॉर्मेशन को एज अ र्यूमर फैलाने के लिए जो है उस जो भी इंसान ऐसा कर रहा है उस पर डिफेमेशन का चार्ज हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के या फिर आपके इंडियन पिनल कोड के, जो हमें बताते हैं, जिनके इंटरप्रिटेशन से हम समझ सकते हैं कि इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इलेक्ट्रॉनिकली जो है फैलाई जा रही है तो उसके लिए लायबल हेल्ड हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं इंडिया के अंदर। जैसे हम एक रीसेंट केस लेंगे, वो है SV Shekhar वर्सेस द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साइबर। इस केस में क्या हुआ था, BJP के एक लोकल लीडर ने फेसबुक पे जो है एक पोस्ट शेयर किया था। उस पोस्ट के अंदर लिखा था कि जो वुमेन जर्नलिस्ट हैं, जो अपने बॉसेस के साथ जो उनके इंटीमेट रिलेशंस होते हैं, उस वजह से जो है वो एंकर्स या न्यूज लीडर्स बनती हैं। तो ये मैसेज जो है, इसको ये कहा गया था, ये डेरोगेटरी था इन रिगार्ड टू दी वुमेन हु आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन, क्योंकि ये मैसेज कह रहा था कि वुमेन, सिर्फ वो वुमेन आगे बढ़ती हैं जिनके इस तरीके के रिलेशंस होते हैं अपने बॉसेस पे, और उस रिलेशन के बेसिस पे उन्हें एंकर या न्यूज रीडर बनाया जाता है। अब बीजेपी लीडर के इस पोस्ट को जो है पेटिशनर ने जो है शेयर कर दिया था, और क्योंकि उन्होंने शेयर किया और उसे फॉरवर्ड किया, ये देखा गया कि ये बोला गया, पेटिशनर ने क्या बोला कि मैं लायबल हेल्ड नहीं हूंगा, मैं लायबल हेल्ड, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। क्यों पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि मैं क्रिएटर नहीं हूं, मैंने ये मैसेज नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ इस मैसेज को फॉरवर्ड किया है। तो जब ये केस जो है मद्रास हाईकोर्ट के पास गया, मद्रास हाईकोर्ट ने इसे बोला, ऑब्जर्व किया कि अगर हम पिटिशनर को सजा नहीं देते हैं तो ये एक गलत मैसेज जाएगा टू द सोसाइटी, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुमेन को एजुकेशन दिलवाने की, वहां पे अगर कोई इंसान इस तरीके की मेंटेलिटी लगता है और इस तरीके के पोस्ट को फॉरवर्ड करता है, शेयर करता है या क्रिएट करता है, तो वो गलत है। और जो भी लैंग्वेज, जो वर्ड्स इस फेसबुक पोस्ट के अंदर यूज किए गए थे आर नॉट इनडायरेक्ट बट अ डायरेक्ट अब्यूज of abusive foul language which is not expected from the person of that particular age and caliber, क्योंकि हम expect करते हैं कि society change हो रही है, society जो है progressive हो रही है, हम women empowerment की बात कर रहे हैं, women education की बात कर रहे हैं, और वहां पे जब इस तरीके का कोई भी post आएगा तो society को गलत message जाएगा, और ये जो language use की गई थी वो बिल्कुल भी expected नहीं थे फ्रॉम अ पर्सन जो उस कैलिबर का है, उस एज का है। तो ये देख सकते हैं कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरीके के सवाल से जवाब ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि
जब लॉज अराउंड द वर्ल्ड बनाए गए तब इंटरनेट एज नहीं थी, बट आज हम इंटरनेट एज में रह रहे हैं और इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो हमें बहुत जरूरी है हमारे पास इस तरीके के लॉज होना जो ये डिटरमाइन कर सके कि क्या कि किस चीज के लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए, किस चीज के लिए पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, और क्या डिमार्केशंस होने चाहिए, क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा मैसेज लाइक करने पे आपको सजा मिलेगी और कौन सा नहीं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है इन रिगार्ड टू लीगल एग्जाम और लॉ मैटर्स, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू वेरी मच।